हाय दोस्तों, स्वागत आप सभी हैं जादूगर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जादूगर के बारे में सुनते ही आप लोगों के दिमाग में एक सवाल तो आया होगा कि जादू की दुनिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम जादूगर के बारे में ही बात करेंगे कि जादूगर क्या होते हैं और उनकी ट्रिक्स कैसी होती है। जादू एक इंद्रजाल होता है। जादू जानने और करने वाले को जादूगर कहा जाता है। चमत्कार, इंद्रजाल, अभिचार, टोना या तंत्र मंत्र जैसे शब्द भी जादू की ही श्रेणी में आते हैं। दरअसल जादू दो तरह का होता है, पहला हाथ की सफाई और दूसरा सम्मोहन। जादू अनंत काल से किया जाने वाला सम्मोहन भरा प्रदर्शन होता है, जिसका उपयोग पश्चिमी धर्मों व संप्रदायों के प्रचारक अशिक्षित लोगों को डराकर उन्हें अपना आज्ञाकारी अनुयायी बनाने के लिए भी किया करते थे। दोस्तों प्लीज़, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में ऐसे हजारों मदारी होते हैं जो और वो अपनी रोजी रोटी भी ऐसे ही कमाते हैं। मध्यकाल में इन भारतीय जादूगरों से सीखकर ही पश्चिम जगत के लोगों ने अपने देश में जादू का प्रचलित किया और उसे एक आधुनिक लुक देकर स्टेज शो में बदल दिया। दुनिया में एक से बढ़कर एक जादूगर भरे पड़े हैं। उनके जादू देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। विज्ञान भी कभी कभी इनके जादू को पकड़ नहीं पाता। आजकल विज्ञान की मदद से पश्चिम में जादू की विद्या खूब फल फूल रही है, इसलिए आजकल भारत की अपेक्षा वहाँ अच्छे और ज्यादा जादूगर पैदा हो गए हैं। आओ जानते हैं दुनिया के इन जादूगरों के बारे में कुछ रोचक बातें। दोस्तों, आप जब भी किसी जादूगर के शो में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो अलग अलग ट्रिक्स करते हैं। उन सब की ट्रिक्स भी अलग होती है और उनका जादू करने का तरीका भी अलग ही होता है, जो हमें खूब पसंद आता है। कुछ जादूगर तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनकी टिकट बुक ही रहती है। उनका शो हमेशा ही फुल रहता है और टिकट मिलने के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बड़े जादूगरों का शो देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। तो आप लोगों ने भी कभी ऐसे शो में कुछ देखा होगा, कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आप लोगों ने दूसरे जादूगर की शो में नहीं देखी होगी। कुछ जादूगर अपने शो में कार्ड्स की ट्रिक्स करते हैं। कोई तो जादूगर कार्ड का रंग ही चेंज कर देता है और कोई पत्तों के साथ अलग अलग तरह की गेम खेलता है। तो दोस्तों, जादूगरों के साथ हमेशा दो या तीन खूबसूरत लड़कियां भी रहती हैं। इनका भी अपना एक खास काम होता है। ये भी बहुत सारी कलाएं जानती हैं और लोगों का दिल जीतती हैं। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं और ये हमेशा ही जादूगर के आसपास ही रहती हैं। जादूगर की सबसे मेन जो होती है वो होती है उसकी हैट। उसकी हैट से ही बहुत सारी जादू की ट्रिक्स हो जाती है। कभी वह अपनी हैट से किसी कबूतर को बाहर निकालता है और कभी किसी से खरगोश को। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि हर अपनी हैट के साथ बहुत सारी ट्रिक्स करता है। हाँ, उनकी ट्रिक्स अलग है, लेकिन हर जादूगर अपनी हैट के साथ कोई ना कोई ट्रिक जरूर करता है। बहुत सारे जादूगर ऐसे होते हैं जो हवा में सिक्का या फिर किसी कील के साथ अनोखी ट्रिक्स करते हैं, या फिर उनके शो में कुछ बोल्स होती हैं तरह तरह की, उनके साथ भी वो कमाल का जादू करते हैं। जादूगर का जो हैंकी होता है, हाँ वो रेड कलर का हैंकी, वो उसके साथ भी बहुत ही प्यारी ट्रिक्स करते हैं जो देखने में बहुत प्यारी लगती है। कभी वो अपने रुमाल से कबूतर बना देते हैं और कभी उसे खरगोश में बदल देते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रिक देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। हर बंदे को ये ट्रिक जरूर पसंद आती है। कुछ जादूगर तो आग के साथ भी बहुत सारी ट्रिक्स करते हैं। बहुत सारे जादूगर ऐसे होते हैं जो किसी चित्र से असली जानवर बना डालते हैं, जैसे कि किसी मछली का पोस्टर हो और उससे वो असली मछली बना डालते हैं, और वो सिक्कों के साथ भी अनोखा गेम खेलते हैं। इसके साथ ही तरह तरह की बोल और कुछ रिंग्स भी होते हैं जिनके साथ वो बहुत ही प्यारी ट्रिक करते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी खुशी होती है उनका शो देखने में। जिसे आप लोग जादू समझते हैं वो असल में जादू तो नहीं होता,
यह विज्ञान का चमत्कार होता है। और यह कहना है विश्व के प्रसिद्ध जादूगर ओपी शर्मा का। ओपी शर्मा को तो सब लोग जानते ही हैं कि वो कितने फेमस हैं। उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं कि जादू असल में होता क्या है। उनका कहना है कि अक्सर तेज धमाके और कुछ देर के लिए आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। कुछ देर के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा गया, वास्तव में अंधेरा नहीं छाता, पर ऐसा कहा जाता है। इसमें कहीं लाइट की थ्योरी तो कहीं साउंड की थ्योरी फिट होती है। उन्होंने बताया कि नजरों को किसी भी वस्तु को ऑब्जर्व करने के लिए एक स्पीड होती है, तभी नजरें उसको पकड़ पाती हैं। हम लोग इतनी स्पीड से काम करते हैं कि नजरें उसे देख ही नहीं पाती। जादू दिखाने में साउंड, स्पीड और लाइट्स का ही सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। हमारी इसके लिए 12 लोगों की एक रिसर्च टीम होती है। हमारी इसके लिए जो टीम होती है वही यह ट्रिक्स करने में हमारी मदद करती है। हर एक जादू को पहले ऑब्जर्व किया जाता है और फिर वह सामने लाया जाता है। उन्होंने बताया कि म्यूजिक का प्रभाव सीधा दिमाग पर पड़ता है। जादू को तैयार करने में सबसे ज़्यादा म्यूजिक प्रभावी होता है। उन्होंने कहा कि जादू दिखाने के पहले कुछ ऐसी डेवलप की जाती है जो कि दिमाग को डायरेक्ट कर देती है। आंखों के लिए स्पीड का लाभ लिया जाता है, इसमें रंगों का भी काफी प्रभाव होता है। उन्होंने कहा कि मनोरंजन का यह एक शानदार माध्यम होता है जिसमें हर एक व्यक्ति काफी एंजॉय करता है। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने अपने शो में डायनासोर भी मंगवाए थे। ये जापान से मंगवाई गई थी। इसका प्रेजेंटेशन इतना शानदार था कि लोग देखते ही रह गए। इनके साथ ही उनका शो पेरिस ऑफ लिबर्टी और स्वर्ण सुंदरी का चैम्बर और सिकंदर की तलवार भी खास थी। उनका कहना था कि 200 जादूगर रोज निकलते हैं अपना शो दिखाने के लिए। वर्ष में 200 जादूगर तैयार होकर निकलते हैं। वास्तव में जादू की कला बचाने के लिए यह सबसे आवश्यक है कि उनकी अकादमी में 6 कोर्स हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मंशा है कि अब मैजिक के लिए भी स्पेशल पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि वास्तव में जादू कई बातों का मिक्सचर होता है। जादू के माध्यम से वो संदेश देना चाहते हैं। ओपी शर्मा जी ने कहा कि डोंगी बाबाओं के प्रति आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए ही ये एक बड़ा साधन है जादू का शो। इसमें एक बाबा के वेश में आर्टिस्ट स्टेज पर आता है और वह कुछ मंत्रोच्चारण के बाद ऊपर उठने लगता है और उसके बाद अपने चेलों और ऑडियंस के मुताबिक बताता है कि किस प्रकार से वह ऊपर उठता हुआ लोगों को दिखाई देता है। इसके माध्यम से कम पब्लिक को यह जानकारी तो मिल ही जाती है कि यह सब तंत्र या मंत्र विद्या ना होकर सीधा साधा तरीका है ऊपर उठने का। जादूगर ओपी शर्मा जी ने बताया कि अब तक कुल 38,000 से ऊपर वो शो कर चुके हैं। यह शो 12 देशों में भी किए गए थे। भारत का यह तीसरा राउंड है। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य जादू को एक नए मुकाम तक लेकर जाना है। उन्होंने बताया कि कानपुर में उनका निवास भूत बंगला है जिसे उनके पिताजी जादूगर ओपी शर्मा ने ही डिजाइन किया था। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को एक ख्याल तो आया होगा कि काश हम भी मशहूर जादूगर होते। हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शौक होता है कि काश वो भी मशहूर जादूगर होते। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग मशहूर जादूगर कैसे बने, तो चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आप लोगों को भी शौक है कि आप अपने कुछ मैजिक ट्रिक्स करें और उनको एंजॉय करते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको प्रोफेशनल जादूगर बनना। प्रोफेशनल जादूगर बनने के लिए आपको किसी मशहूर जादूगर के पास जाना चाहिए। वह आपको अच्छे से जादू की बढ़िया ट्रिक्स सिखाएगा जिसकी वजह से आप भी मशहूर हो जाएंगे और एक अच्छे जादूगर बन सकते हैं। जादूगर बनने के लिए आप YouTube की सहायता भी ले सकते हैं। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी जिसको देखकर आप जादू की ट्रिक्स सीख सकते हैं।
इससे आसानी से कोई भी बंदा जादू सीख सकता है और उसके टाइम की भी बचत होगी। वो जब भी फ्री होगा YouTube पे वीडियो देख सकता है। इसके अलावा किसी जादूगर के पास जाना ना भूलें, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए ट्रेनिंग लेनी आवश्यक होती है, तभी आप अच्छे तरीके से ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं कि कैसे जादू किया जाता है। जादू सिखाने के लिए जादूगर आपसे थोड़े बहुत पैसे जरूर लेंगे, लेकिन वो आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स सिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको सच में जादूगर बनना है तो फिर आपको पैसों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो जादूगर आपसे थोड़े पैसे लेंगे, लेकिन आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स सिखा देंगे। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपको कहेंगे कि यूट्यूब पर वीडियो देखकर ही आसानी से जादू करने के तरीके समझें और एक जादूगर बन जाइए। कुछ लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जादूगरों के पास एक अनोखी शक्ति होती है, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा जादू करते हैं और इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स करते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, यह जादूगरों के हाथ की सफाई होती है और वह इतनी तेजी से सफाई करते हैं वो कुछ दिखाई नहीं देता और आपको वो सच लगता है। जानता है कि उससे यह हाथ की सफाई कब और कैसे करनी है। जब आप किसी भी जादूगर से मिलेंगे या यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, तब भी आपको यह नहीं समझ आएगा कि उस जादूगर ने कैसे किया। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि जादूगर कितने चालाक होते हैं। अगर आपको सच में जादूगर बनना है तो आपको सारे तरीके फॉलो करने पड़ेंगे और अच्छे से सभी ट्रिक्स की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप एक परफेक्ट जादूगर बन सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि बहुत से बच्चे जल्दबाजी करते हैं, हर काम जल्दबाजी में सीखना चाहते हैं, लेकिन जादू दिखाना आसान नहीं होता। इसे सीखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हर ट्रिक्स को बार बार फॉलो करना पड़ेगा। तो कभी भी किसी चीज को सीखने के लिए दिल से मेहनत करनी चाहिए। ये जो जादूगर भी होते हैं वो भी पहले बहुत मेहनत करते हैं, तभी वो इस मुकाम को हासिल कर जाते हैं। तो अगर आप भी एक अच्छे जादूगर बनना चाहते हैं और अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो आपको भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये जानकारी समाप्त होती है, जादूगरों के बारे में कुछ जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us,